सुबह के समय जब बकरी एकदम खाली पेट रहे, तब आपको क्या करना है कि बकरी को इस तरह से पंजे को बनाए यहां पर, और इस तरह से ये जो अडर होता है इनका, अडर के पास इस तरह से पकड़ करके हल्के हाथ से ऊपर उठाएं, हल्के हाथ से नीचे छोड़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाभिन बकरी की पहचान के बारे में। कुछ ऐसे बिंदुओं के आधार पर हम बात करेंगे जिनके माध्यम से आप पहचान पाएंगे कि बकरी गाभिन है या खाली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर बकरी हमारे खुद के फार्म की है या हमारे पास की बकरी है, तो हमें पता होता है कि हमने उसे कब क्रॉस करवाया है, और हमने ये भी नोटिस किया होता है वो 20 से 30 दिनों में रिटर्न हीट पे आई या नहीं आई है। अगर रिटर्न हीट पे नहीं आई है, इसका मतलब वो गाभिन हो चुकी है। तो ये तो हो जाती है हमारी खुद की बकरी की बात, तो हमें पता होता है कि वो गाभिन है या नहीं है। पर जब जो नया बकरी पालक या किसान भाई जब बकरी पालन शुरू करना चाहता है, वो बकरियां लेने बकरी फार्म पर जाते हैं या किसी ट्रेडर्स से माल लेते हैं, तो वो कैसे पहचाने कि बकरियां गाभिन है, प्रेग्नेंट है या नहीं है? क्योंकि ट्रेडर्स लोग क्या करते हैं कि कुछ पैसों के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं कि बकरी 2 महीने की गाभिन है, 6 महीने की गाभिन है। तो आप उनसे बेवकूफ़ ना बने और आप सीख कर जाएं, सतर्कता रखें कि आपको पता होना चाहिए कि किन बिंदुओं के आधार पर किस तरह से आप पहचान सके बकरी गाभिन है या नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपने फार्म पर अपनी बकरियों में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आप कैसे पहचानें कि बकरी गाभिन है या नहीं है। पहली बार की पहचानना है आपको, तो देखेंगे इसका अडर एकदम बिल्कुल भी नहीं है, इसके थन भी बहुत छोटे हैं, पर अभी ये जो है पिछले महीने ही गाभिन हुई है, इसे 1 महीना और गाभिन हुए हुए हैं। जब ये 2 से 2.5 महीने क्रॉस कर लेगी, जब ये 2 से 2.5 महीने की गाभिन हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो इसका अडर जो होगा वो बड़ा होने लगेगा, इसके थन भी बड़े होने लगेंगे, और जब ये 3 महीने क्रॉस कर लेगी तो आप देखेंगे उसकी शारीरिक संरचना जो होता है, शरीर का जो आकार होता है, आप उससे भी पहचान सकते हैं कि बकरी गाभिन है या नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे ये दूसरी बार की बकरी है, ये सेकंड टाइम बच्चा देगी, देखेंगे कि उसका नीचे का जो सर्कल है, आप देखेंगे ये कर्व है, जो पेट है ये लटका हुआ होता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो एक शारीरिक संरचना जो आपको बताया मैंने, शरीर की बनावट, उससे भी पहचान सकते हैं। पर फर्स्ट टाइम की जो गाभिन बकरी है उसे पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि फर्स्ट टाइम की जो गाभिन बकरी होती है वो जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव होते हैं। उन बदलाव में आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने लगती है, उसके बालों की शाइनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसका खान पान जो होता है जब वो क्रॉस होती है, उससे पहले का जो खान पान होता है, वो क्रॉस होने के बाद का जो खान पान होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, गाभिन हो जाती है, तो वो खान पान डबल कर देती सीधा, और आप देखेंगे कि जो बकरी गाभिन होगी वो खून से बाहर रहने लगेगी, उसे डर रहेगा कि कोई बकरी उसे मार ना दे। तो फर्स्ट टाइम की बकरी को पहचानना बहुत आसान है, सेकंड और थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम की बच्चे दे चुकी हो, ऐसी बकरी को कैसे पहचाने कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? क्योंकि बकरी जब आप कहीं लेने जा रहे हैं तो वो बकरी के थन में अगर दूध है, तो जो है ट्रेडर्स या किसान भाई रहेंगे वो बोलेंगे कि सर दूध आ गया है, बकरी बच्चा देने वाली है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो आप उसके दूध के कलर को देखकर भी पहचान सकते हैं कि वो प्रेग्नेंट है या फिर खाली है, या ऐसा तो नहीं है कि उसने 2 महीने पहले बच्चा दिया है और अभी क्रॉस नहीं हुई है तो वो दूध दे रही है, और किसान या बकरी पालक जो है वो बच्चा अपने पास रखकर बकरी बेचना चाह रहा है, तो आप उस धोखे से बचें। तो मैं आपको एक प्रेग्नेंट बकरी, जो कि 3 महीने की प्रेग्नेंट बकरी है मेरे पास, उसका दूध मैं आपको बताऊंगा निकाल करके कि उसमें और जो बकरी अभी दूध दे रही है, जो बच्चे को पिला रही है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देखिएगा, तो आप देख रहे हैं ये जो बकरी की मैं बात कर रहा था, ये 3 महीने कंप्लीट प्रेगनेंसी को हो चुके हैं। अब इसे दूध के आधार पर कैसे जांचना है मैं आपको बताता हूं। तो अभी देखेंगे आप, मैं आपको इसका दूध निकाल कर दिखाता हूं। ये देखिएगा, हमने इसका दूध लगाया है, आप देख पा रहे हैं ये थोड़े से हल्के पीले कलर का है, और आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है। देखिए, अब मैं आपको जो बकरी दूध दे रही है वो दूध लगाकर दिखाता हूं, तब आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। ये देखिएगा, ये जो बकरी है हमारी, ये अभी इस समय अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अडर और थन दोनों बढ़ जाते हैं फर्स्ट टाइम की बकरी के। अब मैं इसका दूध आपको लगाकर दिखाता हूं। ये देखिए, जो बकरी अभी बच्चे को दूध पिला रही है, दूध दे रही है, उसका दूध देखेंगे आप सफेद कलर का है, और देखिए
बहुत ज्यादा पतला है, देखिए आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा पतला है। अब दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं हम, ये देखिएगा जो कि हमने अभी दूध लगाया है एक, ये आप बाउल देखेंगे इसके अंदर जो बकरी का दूध है वो है 3 महीने की प्रेग्नेंट, इसका दूध देखेंगे आप जो मिल्क है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है देखिए, और हल्का सा पीले कलर का है। पर जो अभी हमने दूध लगाया जिस बकरी का, जो कि दूध दे रही है ऑलरेडी, जो बच्चे को दूध पिला रही है, ये देखिए ये बहुत ज्यादा पतला है और सफेद कलर का है। दोस्तों ये जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है ये बहुत ही शानदार और सही तरीका है यह पहचानने का कि आप जो बकरी ले रहे हैं वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। कोई आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है कि वो प्रेगनेंसी के नियर बाय है, 3rd-4th महीने की प्रेग्नेंट है जिससे उसके पास दूध आ चुका है। तो दूध के कलर से और उसके गाढ़ेपन से, जैसा मैंने आपको भी बताया, इस तरह आप जांच सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। इसके अलावा आप क्या करें, सुबह के समय जब बकरी एकदम खाली पेट रहे तब आपको क्या करना है कि बकरी को इस तरीके से पकड़ लेना है। जब बकरी 2 महीने 2.5 महीने क्रॉस कर चुकी होगी तब आपको ये करना है। एकदम पहले महीने की या 2 महीने ही बकरी को क्रॉस किए हुए हैं तो आप ऐसे पहचान नहीं सकते हैं, पर 2.5 से 3 महीने अगर आपकी बकरी को क्रॉस हुए हो गए हैं, आप जहां बकरी लेने जा रहे हैं और 2.5 से 3 महीने की क्रॉस बताते हैं, तो आप इस तरह से पंजे को बनाए यहां पर और इस तरह से ये जो अडर होता है इनका, अडर के पास इस तरह से पकड़ करके हल्के हाथ से ऊपर उठाएं, हल्के हाथ से नीचे छोड़ें, आप महसूस कर पाएंगे पेट में जो बच्चा है उसे। क्योंकि जब 2.5 से 3 महीने हो जाते हैं तो बच्चे की ग्रोथ इतनी हो जाती है कि आप इस तरह से पेट को दबाकर आप महसूस कर सकते हैं कि बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। उसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि बकरी को ऐसे पकड़े आप, ऐसे सीधे हाथ से आप यहां पर हाथ रखकर भी आप महसूस कर सकते हैं कि पेट में उसके बच्चा है तो हाथ में फील होगा, अगर नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो हाथ में कुछ भी फील नहीं होगा, मतलब महसूस नहीं होगा। तो ये तरीका भी बहुत सही है जिससे आप खुद अपने हाथों से बकरी के पेट को हाथ लगाकर महसूस करके आप जान सकते हैं कि बकरी प्रेग्नेंट है या नहीं। तो दोस्तों जो तरीके आपको मैंने आज बताए, जो बिंदु बताए जिनके आधार पर आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, तो इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।